हेलो एवरीवन, टुडे विल डू एमसीक्यूज ऑफ द चैप्टर द ब्राउनिंग वर्जन एंड वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस चैप्टर इन आवर लास्ट वीडियोस। एंड अगर आपने ये नहीं देखा है तो आप इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ओके, लेट्स फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज रिटन द ब्राउनिंग वर्जन। ए टेरेंस रैटिगन, बी मिस्टर एडगर्स वो लार्ज, सी मिस्टर लेस्टर ब्राउन, डी खुशवंत सिंह। और आंसर इज ऑप्शन ए टेरेंस रैटिगन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन इज हु आर द थ्री कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले द ब्राउनिंग वर्जन। ए टेप्लो, अलाइस एंड मिस्टर क्रोकर, मिस्टर हैरो। बी टेप्लो, फ्रैंक एंड मिसेस हैरिस। सी टेप्लो, फ्रैंक एंड मिस्टर क्रोकर हैरिस। डी अलाइस, फ्रैंक एंड मिस्टर क्रोकर हैरिस। और आंसर इज ऑप्शन सी टेप्लो, फ्रैंक एंड मिस्टर क्रोकर हैरिस। क्वेश्चन नंबर थ्री इज व्हाट इज द एज ऑफ टेप्लो। 14, 16, 25। और आंसर इज ऑप्शन बी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज फ्रैंक डू। स्टूडेंट, टीचर, प्रिंसिपल, पेरेंट। और आंसर इज ऑप्शन बी टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज मिस्टर क्रोकर हैरिस। प्रिंसिपल, स्कूल टीचर, मिडिल एज्ड स्कूल मास्टर, डोंट नो। और आंसर इज ऑप्शन सी मिडिल एज्ड स्कूल मास्टर। क्वेश्चन नंबर सिक्स इज वेयर इज द स्टार्टिंग सीन ऑफ द प्ले सेट। स्कूल क्लासरूम, स्कूल प्लेग्राउंड, होम, रोड। और आंसर इज ऑप्शन ए स्कूल क्लासरूम। क्वेश्चन नंबर सेवन इज व्हाट वाज टैप्लो डूइंग ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल। एक्स्ट्रा वर्क, टाइम पास, कांट से, कंप्लीटिंग होमवर्क। और आंसर इज ऑप्शन ए एक्स्ट्रा वर्क, ही वाज डूइंग एक्स्ट्रा वर्क। एट नंबर क्वेश्चन इज इन विच क्लास डज टैप्लो स्टडी इन। ए लोअर फिफ्थ, बी सेवंथ, सी नाइन्थ, डी लोअर टेंथ। और आंसर इज ऑप्शन ए ही इज इन लोअर फिफ्थ क्लास। क्वेश्चन नंबर नाइन इज व्हाई डज टैप्लो हैव टू डू एक्स्ट्रा वर्क। ए बिकॉज ही हैज मिस्ड हिज प्रीवियस वीक ड्यू टू इलनेस। बी बिकॉज ही डिडेंट परफॉर्म वेल इन हिज स्टडीज। सी बिकॉज ही वॉज देयर टू हेल्प हिज टीचर। डी बिकॉज ही वॉज कॉल्ड बाई हिज टीचर। और आंसर इज ऑप्शन ए बिकॉज ही हैज मिस्ड हिज प्रीवियस वीक ड्यू टू इलनेस। क्वेश्चन नंबर टेन इज व्हाई डज टेप्लो वांट साइंस एज अ रिमूव। ए बिकॉज ही हैज नो ऑप्शन। बी बिकॉज ही फाइंड्स द सब्जेक्ट एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। सी बिकॉज ही इज कंफ्यूज्ड। डी कांट से। और आंसर इज ऑप्शन बी बिकॉज ही फाइंड्स द सब्जेक्ट एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर इलेवन इज Why did Taplow call Mr. Croker Harris hardly human? A. Because he is a sadist. B. He is old, shriveled up. C. He is very rude to everyone. D. He finds peace in failing students. Our answer is option B. He is old, shriveled up. Question number 12 is what book was Taplow reading? History textbook, The Agamemnon, Julius Caesar, English novel. Our answer is option B, the Agamemnon. Question number 13 is at what time was Mr. Harris supposed to come to school? 6:30, 7, 11, 12. Our answer is option A, 6:30. Question number 14 is why was Frank jealous of Mr. Croker Harris? A. Because of the effect he has on students. B. Because of his fame. C because he was senior schoolmaster. D because he was paid well. Our answer is option A because of the effect he has on students. Next question is what short name does Taplow call Mr. Croker Harris in his absence? Crock, Harris, Crocker, teacher. Our answer is option A, Crock. Next question is how does Taplow react when Mr. Croker Harris cracked a joke in the class? A. He laughed. B. He ignored it. C. He asked him what it meant. D.
ही डिड नथिंग और आंसर इज ऑप्शन ए ही लाफ्ड. वो हंसा था ना उस टाइम. क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द नेम ऑफ मिस्टर क्रोकर हैरिस वाइफ. मिली क्रोकर हैरिस, मिले क्रोकर हैरिस, हेले क्रोकर हैरिस, नेवर नोटिस्ड और आंसर इज ऑप्शन ए मिली क्रोकर हैरिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड मिसेस क्रोकर हैरिस एंटर द क्लासरूम. ए व्हेन टैपलो एंड फ्रैंक वर डिस्कसिंग मिस्टर हैरिस. व्हेन नो वन वॉज इन द क्लासरूम विद मिस्टर क्रोकर हैरिस एंड व्हेन ओनली टैपलो वॉज इन द क्लासरूम. आंसर इज ऑप्शन ए व्हेन टैपलो एंड फ्रैंक वर डिस्कसिंग मिस्टर हैरिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, हाउ वुड यू डिस्क्राइब मिली क्रोकर हैरिस. ए थिन वुमेन लेट 30s स्मार्टी ड्रेस्ड. बी फैट वुमेन 40s. सी थिन वुमेन इन हर 20s. डी थिन वुमेन स्मार्टली ड्रेस्ड और आंसर इज ऑप्शन ए थिन वुमेन लेट 30s स्मार्टी ड्रेस्ड. पतली सी थी वो, लेट 30s में थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड द लाइंस कम अलॉन्ग टैपलो डू नॉट बी सो सेल्फिश एज टू कीप अ गुड जोक टू योर सेल्फ. ए मिस्टर क्रोकर हैरिस. बी मिली. सी फ्रैंक. डी प्रिंसिपल और आंसर इज ऑप्शन सी फ्रैंक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वॉज टैपलो वरीड दैट मिसेस क्रोकर हैरिस माइट हैव हर्ड व्हाट दे वर सेइंग. ए एज She had been standing for a few minutes when they were busy talking. B. As she interrupted them talking about his husband. C. As she heard them talking about principal. D. Don't know. Our answer is option A. As she had been standing for a few minutes when they were busy talking. जब वो बातों में बिजी थे तभी आई. Question number 22 is what was मिली कैरिंग व्हेन शी एंटर्ड द क्लासरूम. ए बास्केट, बुक्स, नेट्स, फ्लावर्स और आंसर इज ऑप्शन ए बास्केट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज मिस्टर क्रोकर हैरिस. एट द ब्रूसर्स, एट होम, एट मार्केट, एट लाइब्रेरी और आंसर इज ऑप्शन ए एट द ब्रूसर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड मिली सजेस्ट टैपलो इन हर हस्बैंड्स एब्सेंस. To go to chemist to get her prescription filled. B. To go to his home. C. To play golf. D. To wait. Our answer is option A. To go to chemist to get her prescription. Next question is, does Chaplow think that Mr. Crocker Harris is biased? Yes. No. Maybe. Can't say. Our answer is option B. No. Next question is, how is Mr. Crocker Harris different from other teachers? As he is not biased, as he is strict, C, as he is old, D, as he is rude. Our answer is option A, as he is not biased. Next question is, how did Frank react upon the arrival of Mrs. Crocker Harris? He was happy, he was nervous, he was relieved, nothing as such. Our answer is option C, he was relieved. Who was Esmemnon? A. He was American astrologer. B. He was an Egyptian king. C. He was the king of Mycenaean Greek mythology. D. Don't know. Our answer is option C, he was the king of Mycenae in Greek mythology. Next question is, what does remove mean in the chapter? A. Division in British schools. B. Take away something. C. Unfasten. D. Get rid of. Our answer is option A. A division in British schools. And this is our last question. Does Mr. Crocker Harris come to the school in the play? A. Yes. B. No. C. Maybe. D. Can't say. And you have to give this answer in comments. Okay. Thank you.